जेंट्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने ड्रेस बनाई थी लोड़ी स्पेशल, इसी के साथ आज हम मैचिंग कैप बनाएंगे। तो शुरू में हमने इसी तरह से बिग लूप बना लेना है। बिग लूप बनाकर हमने यहाँ से ऐसे धागा शुरू कर लिया, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया हम बनाते हैं, ऐसे धागा लिया, दो को एक कर दिया तो सिंगल क्रोशिया हो गया। दो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, 12 हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे टोटल, 3, 4, ये 12 मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर शुरू में आकर हमने राउंड को ज्वाइन करना है, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, और ये धागा हम थोड़ा खींच देंगे। ये हमने 12 बनाए हैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 12 से हम 16 बना देंगे, 4 यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे। तो शुरू में हमने चेन लेनी है, इसी जगह जहाँ पर हमने राउंड ज्वाइन किया है फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बनाया हमने, शुरू में हमने दो बना देने हैं, ये दो, फिर हमने नेक्स्ट में एक बार बनाया, नेक्स्ट में एक बार बनाया, फिर थर्ड में हमने दो बार बना देना है, दो बार बनाया। तो इस तरह से ये हमारे पास 16 हो जाएंगे डबल क्रोशिया, 4 हमने सेकंड राउंड में इंक्रीज करने हैं। 16 बार मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया, यहां पर आकर हम राउंड को ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से, इस तरह से ज्वाइन किया। अब 16 के ऊपर हमने 16 बार 1, 2, 3 तीन चेन लेकर यहीं पर पहले हमने 16 के ऊपर हमने 16 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहीं पर हम नहीं बनाएंगे, नहीं तो एक हमारा इंक्रीज हो जाएगा। हम ये देखिए, ये नेक्स्ट चेन में हम यहां पर बनाएंगे, तो ये एक और ये दो चेन को हम साथ में एक डबल क्रोशिया गिनेंगे, 1, 2, 3, 4। इस तरह से आप 3 राउंड आप बना ले डबल क्रोशिया से। तो यहां पर आकर मैंने राउंड ज्वाइन करना है, फर्स्ट राउंड हमने आकर यहां पर ज्वाइन कर दिया डबल क्रोशिया का। तो इसी तरह से हमने सेकेंड राउंड स्टार्ट करना है, 3 हमने ऐसे चेन ली और ये नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाया, 16 बनाएंगे हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम थर्ड राउंड में भी 16 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये मेरा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है डबल क्रोशिया का। दो पहले हमने सिंगल क्रोशिया से राउंड बनाए, इसके बाद हमने 3 बनाए हैं डबल क्रोशिया से। यहां पर आकर मैंने राउंड को ज्वाइन कर दिया स्लिप स्टिच से। अगर आप हैट की थोड़ी लंबाई बड़ी रखना चाहते हैं, जैसे इसकी इतनी बनी है 3 से, तो आप ये 4 राउंड बना लें, ये आपके ऊपर है। मैंने 3 राउंड बनाए हैं, आप 4 भी बना सकते हैं डबल क्रोशिया से। इसके बाद हमने ये हैट की इस तरह से किनारी बनानी है जैसे हमने ड्रेस में बनाई है। तो 1, 2, 3 तीन चेन लेकर हमने ये फर्स्ट छोड़ के सेकंड में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से ये राउंड बनाना है, 1, 2, 3 तीन चेन लेंगे हम, एक हम चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। यहां पर आकर हमने राउंड को ज्वाइन करना है, 3 चेन लिए उसी तरह से मैंने, और जो शुरू में जहां पर हमने सिंगल क्रोशिया, जहां पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया था, ये देखिए यहां पर हमने ज्वाइन किया था, तो यहीं पर आकर मैंने ऐसे सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो मेरे पास 16 डबल क्रोशिये थे, एक छोड़ के हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, उससे ये लूप्स हमारे पास 8 आ गए, 16 का हाफ 8, 8 इस तरह के लूप्स आए हैं मेरे पास। अब यहां पर हमने व्हाइट कलर शुरू करना है, व्हाइट कलर हमने शुरू किया। ये जो लूप है इसके बाद हमारा, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया एक बार, धागा लिया, इसी जगह पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है एक बार, या 3 है, तीनों को हमने इकट्ठा निकाल दिया, फिर हमने डबल क्रोशिया बनाना है 3 बार, एक डबल क्रोशिया में हमने पहले 3 का 2 किया, 2 से 1 किया, 2, 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए, इसके बाद फिर से हमने 3 का 1 बनाना है, हाफ डबल क्रोशिया एक बार सिंगल क्रोशिया।
तो इस तरह से ये हमारी राउंड में इस तरह से किनारी आएगी। फिर हमने नेक्स्ट में ये देखिए लूप, एक बार सिंगल क्रोशिया, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर हमने तीन बार डबल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया और एक बार सिंगल क्रोशिया। तो ये इस तरह से हमारी हैट के आसपास किनारी बनेगी आपकी। तो आप राउंड कंप्लीट कर ले इसी तरह से। तो इस तरह से ये मेरी आठ बनी है किनारी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। यहाँ पर आकर मैंने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर दिया। एक हमने चेन ली, ये धागे को हम पीछे कर देंगे और रेड धागा जो हमने काटा नहीं है उससे एक चेन लेंगे। अब हमने जो वर्क करना है ये जो हमारे सिंगल क्रोशिये है इसके बीच में करना है। ये हम ऐसे नीचे से क्रोशिया हुक डालेंगे, ये जो है ऐसे, यहां पर मैंने ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर हमने एक दो तीन चार, चार चेन लेनी है। और ये देखिए यहां से ऐसे नीचे से क्रोशिया हुक लेकर इसको हमने स्टिच को उठाया जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था। यहां पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है धागा लेकर। एक दो तीन चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे लूप्स आएंगे। इसी तरह आप राउंड कंप्लीट कर लें। ये लास्ट में आकर इसी तरह से मैंने चार चेन ली, चार चेन लेकर मैंने इसे यहां पर ज्वाइन करना है। जो हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया यहां पर बनाया है वहां पर आकर मैंने ऐसे सिंगल क्रोशिया बना दिया और ये मेरा राउंड ज्वाइन हो गया। अब हमने नेक्स्ट जो हमारा लूप है उसमें हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हमने एक बार बनाना है हाफ डबल क्रोशिया, तीनों इकट्ठे निकाल दिए, पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम एक बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, तीनों लूप्स इकट्ठे निकाल दिए और एक बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो इस तरह से ये आपकी किनारी बनेगी, डबल बन जाएगी व्हाइट और रेड की। फिर से देखिए ये नेक्स्ट लूप है, पहले हमने ऐसे दोनों निकाल दिए, एक बार सिंगल क्रोशिया धागा लिया, ये तीन हो गए मेरे पास लूप्स, तीनों को इकट्ठा निकाल दिया, तो एक बार हाफ डबल क्रोशिया धागा लिया, ये तीन है, तीन में से दो निकाले हमने, फिर एक, फिर दो का एक बनाया, पहले तीन से दो बनाए फिर दो से हमने एक बनाया, तो ये डबल क्रोशिया हो गया। पांच बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ये दो ये तीन चार और पांच, पांच डबल क्रोशिया के बाद हम एक बार हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आपकी डबल किनारी बन जाएगी एंड में। तो इसी तरह से फिर आप राउंड कंप्लीट कर लें। तो लास्ट में आकर मैंने यहां पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। एक बार हमने ऐसे चेन ली और यहां पर हमने धागा काट देना है। तो इस तरह से ये हमारी हैट बनी। जिस तरह से इसके एंड में किनारी बनी है इसी तरह से यहां पर मैंने इसकी पत्तियां बना दी है दो, एक व्हाइट की हमने एक रेड की। तो ये मैंने ऐसे 16 इसमें मेरे डबल क्रोशिए थे उससे ये मेरी 8 आई पत्तियां। तो अगर आप ये 5 नंबर कान्हा जी के लिए ये सही रहेगी, 4 नंबर कान्हा जी के लिए भी ये बड़ी लगती है थोड़ी सी। तो 4 नंबर कान्हा जी के लिए आप ये 14 डबल क्रोशिए रखें, टोटल आप 14 डबल क्रोशिए रखें और ये जो है आपकी ये 14 से फिर ये 7 बनेगी। और 3 नंबर कान्हा जी के लिए ये आप 12 डबल क्रोशिए रखें और ये आपकी 6 बनेगी। 2 नंबर कान्हा जी के लिए आप 10 डबल क्रोशिए रखें, बहुत छोटी सी कैप बनती है, 10 रखें और 10 से आपकी ये 5 पत्तियां आएंगी। अगर आपको लगता है कि ये कम है 2 नंबर कान्हा जी के लिए तो उसमें आप 12 रख ले,
थोड़ा सा आप हिसाब अपने तरीके से भी आप रख सकते हैं कि आपको कितने डबल क्रोशिए चाहिए। दो दो का आप फर्क रखें। ये 5 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने 16 रखे हैं डबल क्रोशिए, तो जैसे 6 नंबर कान्हा जी हैं तो 16 की जगह आप 18 रखें तो आपकी ये 9 बनेगी। आगे 7 नंबर कान्हा जी के लिए आप 20 रखें तो ये आपकी 10 बन जाएगी। इसी हिसाब से आपने इंक्रीज करने हैं। आशा करती हूँ ये कैप आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।